हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। हम यहाँ पे अगेन SVB जो बैंक है ना, सिलिकॉन वैली बैंक, जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, ये होगा कि उस जो वीडियो का ना उसका कंटिन्यूशन। मैंने दो तीन पॉइंट, एकदम छोटा छोटा पॉइंट ही है वो मैं मिस करके, तो मैं ये जो वीडियो में ना उसको इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि जो मेरा टॉपिक है वो है सिलिकॉन वैली बैंक, ये कोलैप्स हो गया है आज। तो देखिए, मैं ये संडे रात को ही है, ये रात को करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कल देखिए, कल मंडे है, कल मार्केट ओपन होगा तो कुछ नया न्यूज आ जाएगा। तो फटाफट ये जो छोटा छोटा कुछ न्यूज मेरे आई थिंक उस टाइम पे मैंने कवर नहीं किया था ना, उसको हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। फर्स्ट जो न्यूज है, जैसे मैंने आपको वहां पे पहले ही बोल दिया, ये देखिए, ये जो न्यूज है ना, एक मिनट, इसका छोटा वर्जन कर सकते क्या? हाँ, अब हो गया है। ये देखिए, हो सकता है कि आपको एकदम छोटा लग रहा है, तो मैं आपको इसके लिए पढ़ देता हूँ। अच्छा, ये होगा, ये जुगसिंदर रॉबी सिंह, ठीक है। मैंने जो मेरा फर्स्ट वीडियो है ना, उस वीडियो में मैंने इसको अच्छे से बोल नहीं पाया था, क्योंकि ये नाम पंजाबी है तो मैं उतना एक्सटेम्ड नहीं हूँ ये सब नाम से, तो इसलिए इनका नाम है जुगसिंदर रॉबी सिंह। तो इन्होंने बिल एक्टमैन की तरफ ये इशारा किया है कि किड्स वांट मम्मी मी। मैंने वो पूरा डिस्क्लोज, मतलब पहले जो वीडियो था ना, आप उसमें जाएंगे कि इसका जो इसका क्या मीनिंग है, मैंने बोल दिया। जो छूट गया था वो है ये बिल एक्टमैन। बिल एक्टमैन, ये जो अदानी के ऊपर उन्होंने क्या बोला था आप देख लीजिए, आई फाउंड द हिंडनबर्ग रिपोर्ट हाईली क्रेडिबल एंड एक्सट्रीमली वेल रिसर्च। अदानीज ऑनलाइन रिस्पॉन्स स्पीक्स वॉल्यूम केवच एम्प्टर। तो ये उन्होंने उस टाइम पे ये बोला था। तो अभी ये जो इश्यू है ना, आप जब US में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, आप बोल रहा है गवर्नमेंट को बेल आउट करो, लेकिन क्वेश्चन यही है, ये जब बोल रहा है गवर्नमेंट को बेल आउट करो, तो अदानी के केस में भी जब इशू हुआ था ना, तो गवर्नमेंट को भी बेल आउट करना था ना, गवर्नमेंट को बेल आउट करना था, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता उस टाइम पे। और एक बार मान लीजिए गवर्नमेंट को बेल आउट करता तो किसका पैसा जाता, वो तो कॉमन लोगों का पैसा जाता ना, वो टैक्स पेयर का पैसा जाता। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, ये लोग मतलब कितना शेमलेस है, बेशरम है, छोटा आदमी है। ये लोग अभी बोल रहे हैं कि जो SVB बैंक ने कुछ चंद पीपल लोगों ने ये काम किया है, और सबको पता है, सब चोरी किया है वहां पे। वहां पे पॉलिटिशियन चोर है, कोरप्ट है, वहां पे जो CEO है, जो ऑपरेशन देखता है, मैनेजमेंट है, हर कोई चोर है। सब अब बोल रहा है कौन में टैक्स पेयर का पैसा यहाँ पे ला, क्यों लाएगा, ये क्वेश्चन सही से उठाता नहीं है। इसके बाद देखिए, और एक छोटा न्यूज है, ये देखिए किसने कितना चोरी किया है। ये देखिए कंपनी का CEO, इन्होंने मतलब ये जो जब ये इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद ये इन्होंने 3 मिलियन बेच दिया, ठीक है। ये आई थिंक 0.5, CFO ने 0.5 बेचा है, और ये CMO है, ये 0.2, ये बेच दिया, इतना मिलियन का जो ट्रांजेक्शन मतलब बेच दिया। और ये बेच कितना प्राइस में दिया है देख लीजिए, इतना हाईएस्ट प्राइस, मतलब जब 300 हो गया था ना, तब इन लोगों ने बेच के निकल कर रहा। अभी कितना शेयर प्राइस है, जो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे वहां पे अभी शेयर प्राइस है 100। पूरा लॉस किसका हो गया, वो शेयर होल्डर का लॉस हो गया, जो रिटेल का लॉस है वो लॉस हुआ है। अब ये सब रेज क्यों नहीं होता है किसी को नहीं पता। अब मान लीजिए ये उस चीज होता ना इंडिया में, वो मोदी को और बीजेपी को हर कोई मार देता। अगेन यहाँ पे एक इशू हो रहा है, देखिए ये इसने FDIC ने ये बोला है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि FDIC सिमिलर टू RBI। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि SVP को बेच देगा। जैसे आपको पता होगा इंडिया ने वही किया था येस बैंक के टाइम पे, इंडिया बैंक ने उस टाइम पे SBI को बोल दिया था कि खरीद लो, लेकिन अभी तो येस बैंक में कोई इशू नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो इशू है ना, ये जिस जो कंपनी खरीदेगा वो खुद तो डूबेगा, दूसरों को भी लेकर, मतलब खुद तो डूबेगा दूसरों के ले डूबेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ये देखिए, और एकदम क्लियरली बोल दिया कि US ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन, वो एक लड़की है, आप देख सकते हैं, लड़की नहीं है भाई, वो औरत है, उनका एज ऑलमोस्ट 60 है, सेज दैट यूनाइटेड स्टेट विल नॉट बेल आउट सिलिकॉन वैली बैंक। मतलब क्लियरली बोल दिया है कि टैक्स केयर का जो पैसा है वो पैसा फ्री का यूज तो नहीं है, तुम्हारा बाप का पैसा नहीं है, तो बेल आउट नहीं होगा।
अच्छा इसके बाद ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये जो लाइन, ये लाइन सबसे मुझे फनी लगा, SVB बैंक शुड चेंज देयर नेम टू यूक्रेन वैली बैंक। अब आपको पता होगा ये मॉक किया है, ये मॉक क्यों इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है कि US गवर्नमेंट अननेसेसरी जो रशिया यूक्रेन वॉर में ना बार बार यूक्रेन को सपोर्ट करता है, और ये जो वॉर इतना देर मतलब एक साल से ज्यादा चल रहा है ना उसके पीछे US का हाथ है। क्यों हाथ, कैसे हाथ है, क्योंकि US ने ये यूक्रेन को पैसा दे रहा है, 100 बिलियन दे चुका है, लेकिन आप जब खुद का बैंक या इकोनॉमी डूब रहा है उस टाइम पे पैसा नहीं है, ये पूरा बोल दिया, मतलब पूरा धोखलापन वो पूरा चल रहा है नौटंकी। ये देख लीजिए, ये सेक्रेटरी जेनेट येलन ये उनका ये स्टेटमेंट है कि इन्होंने क्लियरली बोल दिया, ये इनका नाम है और इनका पिक्चर भी आप देख सकते हैं, इन्होंने बोल दिया कि US विल नॉट बेल आउट दिस, ठीक है बैंक। उसके बाद और एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे मैंने उस जो फर्स्ट वीडियो था ना यहाँ पे बोल दिया कि US बैंक है ना, ये प्रॉब्लम जो है ना सिर्फ SVB बैंक में नहीं है, मतलब सिलिकॉन वैली बैंक में नहीं है, US में जितना भी बैंक है ना वो ऑलमोस्ट 620 बिलियन उसका इकोनॉमी से गायब हो चुका है। आप इसके लिए एक आर्टिकल है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये एकदम क्लियर, US बैंक वाज सिटिंग 620 बिलियन इन अनरियलाइज्ड लॉसेस। अनरियलाइज्ड लॉसेस का मतलब हुआ है कि मतलब ये अभी मतलब वो होता है ना कि आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदा है, आप खरीद के रख रहे हैं लेकिन उसका जो वैल्यू है ना वो अभी 50 हो चुका है, मतलब आपका 50 रुपीज है ना वो लॉस है, इसको बोला जाता है अनरियलाइज्ड लॉस। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, और सच में ये सब चीजें सच होना स्टार्ट हो गया, और ये मान लीजिए ऐसा सिचुएशन हो गया कि उसको पैसा निकालना ही निकालना है तो US का जो इकोनॉमी है ना ये पूरा रिसेशन में चल जाएगा। एनीवेज ये तो मेरा ये जो विषय है जो चीज मैंने छूट गया था मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया, आपका क्या सजेशन है कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखिएगा। थैंक यू।